पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वर्धमान जैन धर्मशाला निकट चोड़ी गली बिजली घर नई मंडी मुजफ्फरनगर पर आंखों का वार्षिक निःशुल्क विशाल कैंप आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री कपिल देव अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, वरिष्ठ समाजसेवी एवं उद्योगपति राकेश बिंदल, अंकुर गर्ग, पूर्व विधायक अशोक कंसल द्वारा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष निकिराम गर्ग के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश युवा महामंत्री जयवीर सिंह और नगर युवा अध्यक्ष राजीव सिंगल ने किया। कैंप में प्रातः 11:30 बजे तक डॉक्टर स्वाति अग्रवाल के द्वारा लगभग 360 OPD और 35 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा चुके थे। कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का सभी ने अभिनंदन किया और मंत्री ने अपने संबोधन में समाज सेवा के कार्य की संगठन की प्रशंसा करते हुए सदैव साथ रहने का वायदा किया। आज हम लखनऊ में हम लोग हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का आज स्थापना दिवस है। स्वर्गीय श्री नेकीराम जी कर जिनका समाज के अंदर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और आगरा से लौटते हुए जिस समय लौट रहे थे वहाँ समय न करके रास्ते में दुर्गावर्ष दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और हम सबको 24 वर्ष पूर्व छोड़ के चले गए। निश्चित रूप से उनका स्मरण, उनकी स्मृतियाँ, उनके कार्यशैली, उनके द्वारा किया गया व्यापार के संघर्ष और सदैव हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। डी एम कुमारगढ़ जी, उनकी पूरी टीम व्यापार मंडल को लगातार बढ़ाने का काम करती है। कल की शाम में बड़ा सम्मेलन घनश्याम दर्जी जी के नेतृत्व में यहाँ पर होने वाला है और शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग व्यापारी बंधु यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं भी अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करूँ।